तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन ठहरिए, क्योंकि बड़ी खबर ये नहीं है बल्कि कुछ और है। क्योंकि जहां सभी दलों को उम्मीद थी कि पंचायती चुनाव इस बार पार्टी के सिंबल पर होने वाले हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी दलों की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बीते साल दिसंबर में ही खत्म हो गया और इसी साल जनवरी में जिला पंचायतों के भी कार्यकाल खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा तो हो ही रही है, सियासी दल अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनावों की तारीखों को लेकर असमंजस्य की स्थिति लगातार बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब पंचायत चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। इसके मुताबिक क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव 30 अप्रैल और 15 मई तक संपन्न करा लिए जाएंगे। इस पर सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, सरकार उसी के तहत पंचायत चुनाव करा लेगी। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में है, फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई पंचायती चुनावों की तैयारियों में जुटा है। ओवैसी की AIMM हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी पंचायत चुनावों में अपना जोर आजमाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि इन पंचायत चुनावों में पार्टी सिंबल पर कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतर पाएगा, क्योंकि इसके लिए पंचायती राज नियमावली में बदलाव की जरूरत पड़ेगी और फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इन त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 4 पदों के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए 50 से ज्यादा सिंबल राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किए हैं। उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, सिंबल उस पार्टी का नहीं होगा, बल्कि सिंबल राज्य निर्वाचन आयोग जो तय करेगा वही दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति अब साफ कर दी है। उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल प्रदेश में पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहते थे और यही तैयारी उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने उनके मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। अब उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव पिछले साल के पैटर्न पर ही कराए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। क्या कुछ रहेगा, कुल वोटरों की संख्या समझिए, लगभग 12,43,00,000 वोटर्स भागियों का फैसला करेंगे। कुल पोलिंग स्टेशन 2,02,000, पिछली बार से ज्यादा है ये पोलिंग स्टेशन। ग्राम पंचायतों की संख्या हालांकि पिछली बार से कम हुई है, 58,194।